सभी को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्ण सर जय श्री कृष्णा जी जय श्री कृष्ण ओके चलिए आज शुरू करते हैं आज का हमारा जो वेबिनार है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद इस संसार में हर एक फैमिली के लिए आज का जो हमारा क्लास है हमारा जो वेबिनार है सबके लिए ज़रूरी है आपके घर परिवार में रिश्तेदारों में हमारी फैमिली में सभी की शादियां होती हैं ओके और आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आज को आज आपको पता लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मांगलिक योग ओके okay. जिसको आम भाषा में आम जो प्रचलित जो भाषा में बात करते हैं वो कहते हैं मांगलिक दोष है ना आप सभी लोग क्या कहते हो मांगलिक दोष लेकिन हम बोलते हैं उसको मांगलिक योग ओके तो सबसे पहले आप में से कितने लोग मांगलिक हैं वो हैंडेज कीजिए आप में से कितने लोग मांगलिक हैं वो हैंडेस कीजिए सिस्टम के अंदर ओके मेरा थोड़ा गला खराब है तबियत तो ठीक नहीं है तो आवाज थोड़ी वैसी आएगी आज तो थोड़ा सा सैन कर लेना आज के दिन ओके ओके ठीक है मतलब आप में से जिन लोगों को पता है कि आप मांग लेंगे, तो अभी हमारे पास हंड्रेड प्लस स्टूडेंट हैं जो वेबिनार में अभी ज्वाइन है उसमें से लगभग लगभग ग्यारह बारह लोगों ने हैंड रेस किया है वो कहना चाह रहे हैं कि हम मांग लिखें ठीक है चलिए अभी यहां पर जो परसेंटेज निकल कर आ रही है वो दस परसेंट के आसपास है है ना मतलब जो अभी जिन्होंने रेज किया है और जितने लोग अभी वेबिनार में हमारे पास लेकिन आपको जान आप आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि आप में सेवेंटी परसेंट लोग मांग लेंगे कम से कम आप सबके ना कान खड़े हो जाएंगे अरे हमें तो पता ही नहीं है हम तो मांग लिखे ही नहीं इस संसार में जितने भी लोग हैं लगभग सेवेंटी परसेंट लोग मांगलिक हैं ठीक है तो चलो सबसे पहले मांगलिक होना नहीं होना तो बात की बात है वो आज आपको पता लग जाएगा तो इसका मतलब है सेवेंटी परसेंट लोग मांगलिक होते हैं तो चिंता की बात नहीं है फिर तो है ना जब सत्तर परसेंट जनसंख्या मांगलिक है तो फिर चिंता किस बात की है अब कैसे मांगलिक है वो आपको बताएंगे सबसे पहले जितने भी लोग मांगलिक है ना आप खुशियां बनाना शुरू कर दो मांगलिक क्या आप, आप बोलेंगे सर बड़ी जी बात कर रहे हो ये कौन सा बात हुई क्योंकि मांगलिक हम खुशी हैं मना यस इफ यू आर मांगलिक यू आर ब्लेस्ड तभी हम बोलते हैं ये मांगलिक योग है ना कि दोष अच्छा सिंपल जी भाषा में एक बात कीजिए हम कोई आशीर्वाद हम देते हैं किसी को तो हम क्या बोलते हैं तेरा मंगल हो मांगलिक कार्य है है ना इस तरह की बातें है करते हैं ना तो फिर जब मांगलिक के बारे में बात होती है दोष कैसे बन जाता है फिर मुझे आज तक समझ नहीं आया और किसी भी क्लासिकल लिटरेचर में क्लासिकल लिटरेचर की बात कर रहा हूं मैं आम बुक की बात नहीं कर रहा हूं कहीं भी मंगल को दोष नहीं बोला गया वो मंगल को योग बोला गया मांगलिक योग ना कि दोष और इसी के लिए हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं चार से पांच दिन की जिसमें हम आपको प्रूव करेंगे कि मांगलिक होना एक ब्लेसिंग होती है मांगलिक कोई दोष नहीं है मांगलिक योग है ये बनता कैसे है कितने परसेंट कैसे परसेंटेज में मांगलिक हम निकालेंगे मांगलिक की शादी क्या मांगलिक से होनी जरूरी है ये सारे आपके मित्र हम आने वाली कोर्स में जो हमारा मोस्ट अवेटेड कोर्स है मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है और आज की डेट में आज के जो स्नैरियो मार्केट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो हम कोर्स आप सभी के लिए शायद ट्वेंटी थर्ड है ना सबसे ट्वेंटी थर्ड से ला रहे हैं ना शायद ट्वेंटी थर्ड से यस ट्वेंटी थर्ड से हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए पांच दिन का कोर्स रहेगा ओके तो सबसे पहले जो भी मांग लिया उसकी बना लेना प्रसाद शायद बार देना कि सर ने वो डाउट क्लियर कर दिया मांग लेंगे और सम, समझिए मजे की बात एक है ये इकलौता ऐसा दोष है है ना अगर आपकी भाषा में बात करें आम भाषा में इकलौता ऐसा दोष है कि जिंदगी में दो ही बार निकल कर आता है एक तो जब बच्चा पैदा होता है ना वो फिर कुंडली उंडली बनवाई जाती है कहते तो अरे भाई बच्चा मांग ली क्या बच्ची मांग ली पैदा होगी और ये क्या होगा इसका क्या होगा ठीक है बस फिर दो तो चार दिन एक आध महीना वो दिमाग में रहता है फिर खत्म तो सब भूल जाते हैं कौन बच्चा मांग ली कौन नहीं मांगली जब शादी की बात आती है फिर भाई और ये बच्चा मांग ली का भाई मांगली की शादी मांगली से करानी है ये है वो है ना इस तरह की बातें होती हैं बच्चे की शादी होती जाती है बच्चे की शादी होगी फिर खत्म मतलब उस योग का फिर के लेना देना नहीं तो ऐसा कौन सा योग है कि तरह जिंदगी में दो ही बार एक्टिवेट होता है ऐसा कौन सा योग है कोई भी योग कुंडली के अंदर ना तो पैदा किया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है बड़े सारे मिथ हैं कि सत्ताईस साल में छब्बीस साल में अट्ठाईस साल में है ना वो मांगलिक खत्म हो जाता है ये हो जाता है सब मिथ है यहा हम आपको लॉजिकल बात करेंगे साइंटिफिक बात करेंगे इसका मतलब है ये तो आप सभी को समझ में आ गया कि मांगलिक योग या दोष जो भी आप बोले इसका सीधा संबंध आपकी शादी से है ये तो समझ में आ गया सभी को क्योंकि शादी तक ये रहता है उसके बाद तो पता ही नहीं भाई ये योग कहां जाता है कहां बनता है भगवान मालिक है इसका तो इसका मतलब है ये जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारी अभी सीरीज चल रही है कॉम्बो हमने ऑफर निकाला है पूरा मैरिज के हम दस टॉपिक आपको करा रहे हैं दस कोर्सेज हम आपको करा रहे हैं उसमें से एक टॉपिक है मांगलिक दोष या योग तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि दोष होता है योग होता है और हम भी प्रूव करेंगे कि आप में सेवेंटी परसेंट लोग मांगलिक हैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जा सकती है ऐसा कोई जरूर नहीं है आप मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी कर सकते हो जो जिस सिस्टम को आप जानते हैं कि मंगल यहां यहां बैठता है तो मांगलिक होता है जरूर नहीं है आप, आपको नहीं पता कि आप जिस सिस्टम से आप फॉलो करते हैं मांगलिक है या नहीं है उसके बिना भी आप मांगलिक हो सकते हो लेकिन वो अच्छे वाले मांगलिक हो तो ये सारे में हम इस क्लास में आज भी थोड़ा क्लियर करेंगे आपको और जो हमारी जो क्लास है ट्वेंटी से स्टार्ट हो रही है पांच दिन का कोर्स रहेगा ये आपके लिए उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे विद एग्जाम्पल बहुत सारे आपको डाटा देंगे कि ये मांगलिक ये दोष नहीं होता योग होता है ठीक है चल सक्षम अब शुरू करते हैं सक्षम आपको थोड़ा सा वो क्लू देगा मैंने आपको थोड़ा सा क्रश बता दिया है सभी को सो so, मांगलिक योग की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो जैसा अभी आपको सर ने बताया था कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन्स uh, है इससे रिलेटेड तो उन मिसकंसेप्शन्स को पहले जो मेजर मिसकंसेप्शन्स है उन्हें हम क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि मांगलिक योग देखा कैसे जाता है या आप मांगलिक हैं या नहीं ये कैसे पता लगाया जाए पहला मिसकनसेप्ट की इस योग की जरूरत शादी के समय पर ही पड़ती है तो ये एक मिसकंसेप्शन है अगर आपके में कोई भी योग हो कोई भी एक पर्टिकुलर लाइफ का इवेंट एक योग की वजह से नहीं होगा जैसे अगर आपके हॉरोस्कोप में पंच महापुरुष योग में से कोई योग बन रहा है मान लीजिए रोचक योग बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि रोचक योग आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट लाइफ के किसी एक बड़े इवेंट में ही उस योग का इन्वॉल्वमेंट होगा बाकी सारे इवेंट्स में नहीं होगा तो ऐसा ही मांगलिक योग के साथ भी है क्योंकि मांगलिक योग की समझ प्रॉपरली लोगों में नहीं है इवन टॉपिक में प्रॉपर ज्ञान नहीं है इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मांगलिक योग जो है वो बस आप शादी के समय पे देखिए और ये क्यों इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस बना क्योंकि मांगलिक योग जब हम कहते हैं कि हम मंगल की मैचिंग कर रहे हैं या मांगलिक योग की मैचिंग कर रहे हैं तो हम मैचिंग करते हैं सेक्सुअल डिजायर की एक व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर का कितना लेवल है और कंपेयर टू दी पार्टनर तो जब हॉरोस्कोप की मैचिंग हो रही होती है तो उसमें मेल की सेक्सुअल डिजायर कितनी है फीमेल की सेक्सुअल डिजायर कितनी है इसकी मैचिंग करी जाती है और इसी को कहा जाता है मांगलिक अब ये अधूरी जानकारी है एट टाइम ऑफ मैरिज जब आप मंगल की मैचिंग करते हो तो वो आप सेक्शुअल कंपेटेबिलिटी के लिए कर रहे हो दैट इज करेक्ट लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है और वो प्रबल मांगलिक है तो उस उस बच्चे के ऊपर भी तो उस मंगल का प्रभाव है इन अ डिफरेंट वे जब वो व्यक्ति ओल्ड एज का होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है सेवेंटी ईयर्स का हो गया तब भी तो वही मंगल की एनर्जी का प्रभाव उस पर उसके ऊपर रहेगा लेकिन तब वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता लेकिन मांगलिक प्रभाव उसके ऊपर एक अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा तो सिर्फ विवाह के समय पर ही हम मांगलिक योग को चेक करें ये चीज सही नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी है क्योंकि आपको पता ही चलता है कि मैं मांगलिक हूं शादी के समय पे उस समय आप बहुत कुछ करने का प्रयास करते हो और आप काफी लेट हो चुके होते हो क्योंकि शादी सत्ताईस सत्ता अट्ठाईस साल में होती है पूरा बचपन और पूरा आपका जो टीनेज है उसमें उस मंगल ने आपको जिस जिस तरीके से प्रभाव डाला है वो सारा समय आपके हाथ से निकल चुका है क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस नहीं थी जैसे अभी लास्ट क्लास में किसी ने ये पूछा था एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि योग की एप्लीकेबिलिटी किस में देखी जाए क्या बच्चों में हम योग की एप्लीकेबिलिटी देख सकते हैं हम कैरेक्टर एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि क्या बच्चे के हॉरोस्कोप में इन योगों को देखेंगे डेफिनेटली सारे के सारे योग एक न्यू बॉर्न बेबी जिसका पांच मिनट पहले जन्म हुआ है उसके हॉरोस्कोप में भी सारे योग देखे जाएंगे एक बच्चा जिसका पांच मिनट पहले जन्म हुआ है वो भी प्रबल मांगलिक पैदा हो सकता है लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी नहीं होगी जन्म के तुरंत बाद उसके अंदर एनर्जी होगी मार्स की एक अलग तरीके से फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा जैसे जैसे वो एक शादी की उम्र में आएगा तब वो जो मंगल का प्रभाव है वो सेक्सुअली उसके अंदर दिखना चालू होगा जिसे हम कहते हैं मांगलिक मैचिंग है ना यही मांगलिक योग आपको प्रोफेशनल लाइफ में सुपर सक्सेसफुल बना सकता है कभी इस एंगल से आपने सोचा है हमने मैरिज के एंगल से सोच लिया सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी के एंगल से सोच लिया लेकिन अगर आप प्रबल मांगलिक हो अगर आपके अंदर वो मंगल का एनर्जी है तो आप अपने प्रोफेशन में सुपर सक्सेसफुल बन सकते हो ये मांगलिक योग का कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी चीज को अचीव करने की क्षमता आपके अंदर इस योग के कारण आ जाएगी ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है तो अब अगर मैं इस योग को शांत कर दूं रेमिडीज के थ्रू या इसको कम कर दूं तो आपका प्रोफेशनल लाइफ आपके अंदर जो चीजों को हासिल करने का जज्बा है वो भी ठंडा हो जाए और लोग ये गलतियां कर बिना सोचे समझे वो किसी भी योग की शांति करवा देते हैं बिना ये जाने कि चलो आप मैरिज के लिए सोच रहे हो लेकिन आपकी जिंदगी के अदर हिस्से भी हैं जहां पे वो योग आपको सक्सेस दे रहा है आपको उसको मैनेज करना होगा उसको शांत नहीं करना होगा ना तो सबसे पहले तो ये मिसकनसेप्शन आप दूर कर लीजिए कि इस योग की जरूरत सिर्फ और सिर्फ मैरिज के समय पर पड़ती है ऐसा नहीं है जब से आप पैदा हुए हैं जब तक आपका जीवन इस भूलोक में है मंगल मांगलिक योग का प्रभाव अगर आप मांगलिक हैं तो आपकी लाइफ पे किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी एंगल से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से पड़ता रहेगा सिर्फ शादी के समय पे वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसलिए सेक्सुअल मैचिंग करना वहां पे जरूरी होता है दूसरा मिसकंसेप्शन 28 साल की उम्र में मंगल योग समाप्त हो जाता है सो so, इतने सारे योग हैं उनमें से बाकी कोई योग समाप्त नहीं होता किसी एज पे सिर्फ मांगलिक योग जो है वो खत्म हो जाता अब ऐसा क्यों है ऐसा किस लॉजिक से बोला जाता है देखिए बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों से मिस इंटरप्रेट करी गई और उस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है अब ये अट्ठाइस साल वाला जो पॉइंट है ये कहाँ से आया ये अट्ठाईस साल ये मैंने जब हम सर कॉम्बो का जब हम वेबिनार कर रहे थे तब भी मैंने ये क्लियर किया था ट्वेंटी एट ईयर्स के बाद नेचुरली जो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी होती है उसमें जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं तो 28 साल के बाद सेक्सुअल ड्राइव नैचुरली थोड़ी सी कम हो जाती है अब एक अगर तीस साल का व्यक्ति है उसकी सेक्सुअल ड्राइव को आप 18-19 साल के व्यक्ति की सेक्सुअल ड्राइव से कंपेयर नहीं कर सकते ये सब जानते हैं राइट तो 30 साल की उम्र में 28 साल के बाद थोड़ा थोड़ा सा वो ड्रॉप होने लगता है वो हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं अब उसको किसी ने अपना दिमाग लगाया कि अच्छा अट्ठाईस साल के बाद थोड़ा सा सेक्सुअल हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं तो मंगल योग का प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी ये किसी ने दिमाग चलाया लेकिन वो व्यक्ति ये भूल गया कि भाई जो प्रबल मांगलिक है उसकी सेक्सुअल ड्राइव एक आम व्यक्ति से ज्यादा है तो जब एक आम व्यक्ति की सेक्सुअल ड्राइव अट्ठाईस साल के बाद कम होगी तो उस मांगलिक व्यक्ति की भी कम होगी बट कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन तो उसकी ज्यादा ही रहेगी ना है ना इसको हम इस तरह से समझते हैं ये एक व्यक्ति है ए ये मांगलिक नहीं है और एक व्यक्ति है एम ये मांगलिक है इसकी जो सेक्स ड्राइव है वो है हंड्रेड और इसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो है टू हंड्रेड अब ये दोनों तीस साल के हो जाते हैं जब ए तीस साल का हुआ तो इसकी सेक्सुअल ड्राइव हंड्रेड से हो गई नाइन्टी जब एम तीस साल का हुआ तो इसकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो टू हंड्रेड से हो गई वन तो अब दोनों की सेक्सुअल ड्राइव कम हुई बायोलॉजिकल प्रभाव के कारण लेकिन कम होने के बाद भी इसकी सेक्सुअल ड्राइव इससे ज्यादा है क्योंकि यह मांगलिक है तो योग खत्म नहीं हुआ योग अभी भी है राइट right? तो ये चीज समझनी होगी कि अट्ठाईस साल के बाद मांगलिक योग खत्म हो जाए ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है इस इसी रीजन के कारण क्योंकि बायोलॉजिकल ड्राइव कम होती है तो उसको मिस इंटरप्रेट करके ये बोल दिया गया कि भाई मांगलिक योग खत्म हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होता ये योग हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा जैसे कि ज्योतिष के बाकी सारे योग आपकी जिंदगी में अलग अलग प्रभाव डालते हैं मांगलिक योग का प्रभाव भी जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है कितना क्लियर है या इसमें किसी को अभी भी डाउट है okay. अब मांगलिक योग को देखा कैसे जाता है ये भी एक बहुत बड़ा इस पे बहुत सारे डिबेट्स होते रहते हैं पता नहीं क्यों नॉर्थ और साउथ यहाँ पे एक डिबेट चलता है राइट तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है काम इच्छा का मिलान वास्तव में मंगल दोष का मिलान है सेक्सुअल डिजायर को मैच किया जा रहा है मांगलिक मैचिंग मीन्स मैचिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है अब देखिए यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स बताए गए हैं और ये जरूरी है कि हम इसे समझें हम इसे लॉजिकली समझें कि यही प्लेसमेंट्स क्यों अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में है सेकंड हाउस में है फोर्थ हाउस में है सेवेंथ हाउस में है एट्थ में है और ट्वेल्थ में है अगर इन हाउसेस में मंगल है तो आप मांगलिक हो अब यहाँ पे एक डिबेट ये चलता है कि भाई फर्स्ट हाउस में नॉर्थ इंडियंस लेते हैं साउथ इंडियंस फर्स्ट हाउस को नहीं लेते हैं वो सेकेंड हाउस को लेते हैं तो ये भी एक कंफ्यूजन है हालांकि ये कंफ्यूजन का टॉपिक नहीं है मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताऊंगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको मांगलिक का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर की मैचिंग ये हम सब समझ चुके हैं हमारे हॉरोस्कोप में जो हाउसेस सेक्सुअलिटी को रूल करते हैं वो है सेवेंथ हाउस और एट हाउस राइट तो अगर मंगल खुद सप्तम और अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो वो सेक्सुअल एनर्जी को इंक्रीज करेगा तो इसलिए जब मंगल सप्तम भाव में होता है या अष्टम भाव में होता है तो वो मांगलिक योग बनता है दूसरा अगर किसी भी पोजीशन से मंगल सप्तम भाव और अष्टम भाव को देख ले तो भी वो सेक्सुअल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और वहां पर भी वो मांगलिक योग बनेगा अब देखिए अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये सप्तम दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देख रहा है इसलिए फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक योग बनेगा सेकेंड हाउस में अगर बैठा है तो भी ये सप्तम दृष्टि से एर्थ हाउस को देख रहा है तो सेकेंड हाउस में अगर मंगल है तब भी मांगलिक योग बनेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट हाउस में होगा तो हम कंसिडर करेंगे या सिर्फ सेकेंड में होगा तो हम कंसिडर करेंगे नहीं दोनों में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लेसमेंट से वो सप्तम भाव या अष्टम भाव को देख रहा है इसलिए ये दोनों ही प्लेसमेंट मांगलिक बनाएंगी सामने वाले को अगर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है अगर मार्स फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये अपनी चौथी दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देखेगा वन टू थ्री फोर और अगर ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है तो अपनी अष्टम दृष्टि से सेवेंथ हाउस को देखेगा तो ये जो प्लेसमेंट्स दी गई हैं, इन प्लेसमेंट्स में या तो मंगल खुद सप्तम और अष्टम भाव में बैठा हुआ है या किसी ना किसी एंगल से किसी ना किसी दृष्टि से वो सप्तम और अष्टम भाव को देख रहा है इसलिए ये जो प्लेसमेंट्स हैं इन्हें मांगलिक बोला जाता है क्लियर है सभी को कि इन्हीं प्लेसमेंट्स को मांगलिक क्यों हमने टेंथ हाउस को क्यों नहीं लिया टेंथ हाउस में अगर मंगल बैठा है तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं उसको क्योंकि टेंथ हाउस में अगर मंगल बैठा है तो वो सप्तम और अष्टम भाव पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है किसी भी प्रकार से नहीं डाल रहा इसलिए टेंथ हाउस को नहीं लिया गया तो इन हाउसेस को लेने लेने के पीछे का जो रीजन है वो सिर्फ यही है कि मंगल का इम्पैक्ट आपके सेक्सुअलिटी के भावों पर होना चाहिए अब देखिये यहाँ पे हम सेक्शुअलिटी बोल रहे हैं क्योंकि सेक्शुअल एनर्जी से बड़ी और कोई एनर्जी नहीं है ये एनर्जी इस एनर्जी को आपको समझना होगा तभी आप ये समझ पाएंगे कि जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप प्रोफेशनली सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं कैसे सेक्सुअल एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी ऑफ क्रिएशन किसी चीज को क्रिएट करने की एनर्जी उसी एनर्जी की वजह से आप एक नए जीवन को इस दुनिया में लेकर आते हैं अगर इस एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कर दिया जाए तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो मंगल से बड़ी एनर्जी और कोई नहीं है आप कोई भी लेवल का सक्सेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो आप किसी भी इम्पॉसिबल टास्क को अचीव कर सकते हो अगर आपके अंदर ये ऊर्जा है मांगलिक ऊर्जा प्रबल मांगलिक ऊर्जा और वो ऊर्जा प्रॉपरली चैनलाइज है क्योंकि अगर ये चैनलाइज नहीं है तो इसका मिस यूज हो सकता है आप किसी के साथ सेक्शुअल किसी को अब कर सकते हो ये एनर्जी है जैसे ए के फोर्टी सेवन ए के फोर्टी सेवन एक बंदूक है उसका यूज उस किसी की जान जा सकता है किसी की जान लेने के लिए भी करा जा सकता है डिपेंड करता है कि सामने वाले का जो विवेक है सामने वाले का जो इंटेलेक्ट है वो कैसा है तो इस इस योग के साथ भी यही चीज है ये सिर्फ एक रॉ एनर्जी है आप इसे किस प्रकार से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे या आप बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे ये एनर्जी आपको फिनिश कर सकती है इसका नेगेटिव साइड भी है है ना ये एनर्जी ये एनर्जी आपको मृत्यु के बाद निचले लोकों में ले जाने के लिए भी पर्याप्त है आपकी आफ्टर लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसी एनर्जी से आप स्वर्ग में भी जा सकते हैं दोनों ही चीजें इस लोक की बात करें तो इस एनर्जी से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है और साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल नष्ट हो सकती है आप आपका करियर बिल्कुल खत्म हो सकता है दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चैनलाइज इस एनर्जी को कर रहे हैं इस एनर्जी को आप कंट्रोल किस प्रकार से कर रहे हैं ओके okay. कोई कोई सवाल किसी का इसमें शिबानी जी तो बस और एक बार जस्ट ये वाला लाइन रिपीट कर दीजिए मैं लीव कर गई थी क्या रिपीट करता है ये जो Hello? चार्ट का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला अभी जो बोले ये बस एक मिनट दो मिनट के लिए मैं बस ऑफ हो गया था फोन आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा देखिए कोई रिपीट करने के लिए बता अभी अभी रिपीट करने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट मत करिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी मैं रिपीट करूंगा दैट इज टाइम वेस्ट तो अगर आपका कोई वैलिड क्वेश्चन है कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए किसी कोई चीज आपकी छूट गई है वो रिपीटेशन आप दस बार रिकॉर्डिंग देख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट right? अपर जी जय कृष्णा साहब जय श्री कृष्ण इसमें आपने बोलते पहले और दूसरे भाव से सप्तम अष्टम भाव को देखते हैं ये किस प्रकार देखने से क्या आपका है ग्रहों की दृष्टि होती है ज्योतिष में हर ग्रह की अपनी दृष्टि है आपको तो आपको होती है होती वो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी में समझ में आएगा सर ओके सर गुरप्रीत जी जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्ण मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर अगर अपना सिक्स हाउस में बैठे हो तो उनकी दृष्टि जो है वो सेवंथ हाउस में भी पड़ेगी वो मतलब फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी हुँ. तो वो भी मांगलिक माना जाएगा सर फर्स्ट हाउस सेक्सुअल सेक्सुअलिटी का हाउस नहीं होता सप्तम और अष्टम भाव होता है अच्छा जी ओके okay. Right. हाँ जी सर ठीक okay. तो ये कुछ बेसिक्स है हमने पीडीएफ में डाले हुए ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप इसे पढ़ सकते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक हाँ पे लूंगा एक दो क्वेश्चन के बाद भावना जी हरे कृष्णा सर हरे कृष्ण सर एक चीज पूछनी है अगर सेवेंथ हाउस में मार्स है बट सेक्सुअल डिजायर्स भी नहीं है बहुत ही बीक है। वो, वो क्या डिनोट करता है फिर वो अभी आपको समझ में आएगा बिकॉज because... सिर्फ डी वन से यानी लग्न को डी से ही मां, मांगलिक नहीं बनता चार्ज भी देखने अच्छा गए, गए, तो मतलब खाली मतलब बेसिक चार्ट देख के ऐसा नहीं, नहीं नहीं कर सकते अच्छा यहाँ पर भी ये भी है ना कि उसके साथ और कौन से प्लान बैठे हुए हैं कौन से है कौन सी राशि में ठीक है तो यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए जो अभी अपने डिस्कस करें और अभी आपका भावना जी का जो सवाल था वो भी यहाँ पे एड्रेस करा हुआ है यदि स्त्री या पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न चंद्रमा या शुक्र में से किसी से भी एक दो चार सात आठ या बारहवें भाव में हो तो मांगलिक योग प्रबल होता है यानी कि सिर्फ लग्न नहीं चंद्रमा भी आपको देखना है चंद्र कुंडली भी देखनी है और शुक्र कुंडली भी आपको देखनी है मैं आपको ये प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लेन करता हूं ताकि क्लियर हो कौन 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 ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जिसे ये बोला गया है कि आप प्रबल मांगलिक हो आप हंड्रेड परसेंट मांगलिक हो कौन कौन है करिए ज... और जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम प्रूव कर देंगे कि हमारे में से जितने भी लोग अभी वेबिनार में हैं उनमें सेवेंटी परसेंट लोग मांगलिक हैं उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं चलिए अभी किसी ने मैसेज किया मुझे कि सर ये कोर्स कब से स्टार्ट है और क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है तो ये मांगली योग का कोर्स हमारा चार से पाँच दिन का कोर्स चलने वाला है जिसमें आप आपको पूरा कोर्स मटेरियल हम आपको देने वाले हैं पीडीएफ फाइल लाइव क्लास होंगी और इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है और लास्ट में आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा जिसकी फ़ीस थ्री प्लस अट्ठारह परसेंट है लेकिन क्योंकि हमारा एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है एक तो उसके अंदर हम आपको सिर्फ टू ट्रिपल नाइन प्लस एटीन परसेंट जी के साथ इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं और ये चार से पाँच दिन कोर्स चलने वाला है आपको वाकई में जितने भी आपके मिथ हैं जितने भी आपके पास मिसकनसेप्शन बने हुए हैं मंगल को लेकर ये सारे डाउट्स हम आपको क्लियर करेंगे और यहाँ पर अगर आप मांगलिक हैं भी और मांगलिक नहीं भी हैं तो आपको कैसे मैरिज करते वक्त कैसे अपनी या अपने क्लाइंट की मंगल की मैचिंग करनी है वो आपको सिखाया जाएगा और अगर कुछ कुंडली में ऐसा है कि प्रबल मांग लिखे हैं तो उसकी क्या आप रेमेडी करेंगे तो इस कोर्स में आपको रेमेडी भी सिखाई जाएगी तो ये ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैप से हम स्टार्ट कर रहे हैं रात को नौ साढ़े नौ के आसपास पास सवा नौ साढ़े नौ ये कोर्स स्टार्ट होगा हमारा पाँच चार से पाँच दिन चलने वाला है तो ऑल आर वेलकम अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो जिंदगी में कभी ये नहीं बोलोगे कि मंगल दोष होता है तो मंगल योग होता है ठीक है और कैसे मांगलिक की शादी मांगलिक से जरूरी नहीं है और नॉन मांगलिक की शादी भी मांगलिक से आप करा सकते हैं लेकिन क्या कंडीशन रहेगी ये हम डिविधा आप कोर्स आपको बताए ना ठीक है तो आप डेट नोट कर सकते हैं प्राइस नोट कर सकते हैं और क्या कोर्स कंटेंट रहेगा वो तो आप सभी जानते हैं कि हमारा कोर्स जो है बड़ा रिच कंटेंट रहता है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस कोर्स चलिए शिखा जी आप आपको बोला गया है कि आप मांगलिक हैं शिखा जी जी अच्छा जी सर बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए बताइए

स्पेल करिए बी ई बी फॉर बॉम्बे बी ई डब्ल्यू ए आर बेवर बेवर वृक्ष लग्न है आपका जी ओके okay, ठीक है तो अब देखिए अभी जो हमने प्लेसमेंट डिस्कस करी थी उनके अकॉर्डिंग इनका जो मंगल है वो ट्वेल्थ हाउस तो ट्वेल्थ हाउस का जो मंगल है वो मांगलिक योग बनाता है क्यों बनाता है क्योंकि अष्टम दृष्टि सेवेंथ हाउस पे आती है सेवेंथ हाउस पे है ना तो ये मांगलिक योग यहां से बन रहा है लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है फिफ्टी परसेंट चांसेस है कि आप मांगलिक हो लेकिन आप प्रबल मांगलिक हो या नहीं इसके लिए हमें चंद्र कुंडली से भी ये प्लेसमेंट देखनी होगी और हमें शुक्र कुंडली से भी ये प्लेसमेंट देखनी होगी तो यहां पे अगर मैं इनका चंद्र लग्न बनाऊ तो अब चंद्र कुंडली से मंगल जो है वो एर्थ हाउस में आ गया तो ये अगेन चंद्र कुंडली से भी आप मांगलिक हो गए है ना अब एक बार शुक्र कुंडली से भी देख लेते हैं तो शुक्र यहां पर है राइट right? से आप देखिए शुक्र कहां पर है गुरु के साथ गुरु के साथ नवम में नवम भाव में तो इसको हम लग्न बना लेते हैं शुक्र कुंडली से ओके okay. शुक्र कुंडली से मंगल आपका चतुर्थ भाव में आ रहा है तो चतुर्थ भाव भी मांगलिक भाव है एक दो तीन चार सप्तम दृष्टि से वो सेवन हाउस को देखेगा तो आप लग्न से चंद्रमा से और शुक्र से तीनों से आप मांगलिक हो तो इसलिए आप प्रबल मांगलिक कहलाओगे आपके केस में आपकी शादी किसी मांगलिक व्यक्ति से ही होनी चाहिए अगर आप तीनों होरोस्कोप से मंगल आप निकल रहे हो आप मांगलिक निकल रहे हो इस केस में आपकी शादी सिर्फ और सिर्फ एक मांगलिक व्यक्ति से कराई जाएगी नॉन मांगलिक व्यक्ति से ये शादी नहीं चलेगी तो इस तरह से देख जिससे शादी हुई तो मांगलिक नहीं है उनका डिटेल दीजिए फोर्थ अप्रैल फोर्थ अप्रैल ओके टाइम? सेवन ट्वेंटी पी एम सिटी लखनऊ तुला ठीक है जी। अब डी वन में देखिए मंगल नाइन्थ हाउस में मांगलिक नहीं हुए ये डी वन के हिसाब राशि के हिसाब से जी। चंद्रमा से देखिए चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में मंगल आ गया है जब तुला लग्न तुला में ही तो चंद्रमा है तुला लग्न में चंद्रमा नहीं है ना मैम तुला लग्न लग्न तो इनका एम है लग्न ये है लगन, तुला लग्न नहीं आया तुला लग्न आया है लेकिन राशि इनकी जो है वो है वृश्चिक नहीं नहीं सर कुछ गलत हुआ है फोर्थ अप्रैल नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइनटीन सिक्सटी नाइन नाइन है ओके okay. तो तो ये तो लगने से ही मंगल बन रहे हैं यहाँ पे आप कह रहे हो मांगलिक नहीं है अच्छा, ये लग्न से भी मंगल बन रहे आ, मांगलिक है और चंद्रमा से भी मांगलिक है सेकेंड हाउस में है मंगल हाँ लग, सेकेंड हाउस में मंगल है तो ये तो लग्न से भी मांगलिक हो गए और चंद्रमा से भी मांगलिक हो गए

हाँ, क्यूँकि सेवेंथ सेवेंथ नहीं, नहीं होते नहीं ना, नहीं आपकी शादी नहीं है और सत्ताईस आपका लगाया था उसके हिसाब से अगर आपके हस्बैंड मांगलिक नहीं है तो आपकी मैरिज एक डेढ़ साल में टूट जाएगी सताईस साल चल गई वो पॉसिबल ही नहीं है कि ये आपके हस्बैंड मांगलिक ना हो अब शुक्र से देख लेते हैं शुक्र कुंडली से शुक्र कुंडली से ये मांगलिक नहीं है तो आप हंड्रेड परसेंट मांगलिक हो ये, ये शादी हो सकती है तो जैसे अभी सिर्फ है। अभी हम सिर्फ मंगल डिस्कस कर रहे हैं हमको और किसी से मतलब नहीं है बाकी चीजें डिस्कस करेंगे आगे कोर्स में बड़ा आपके हस्बैंड भी आप प्रबल मांगलिक हो वो थोड़े से कम मांगलिक हैं वो दो कुंडली से मांगलिक हैं आप तीनों कुंडली से मांगलिक हो okay. तो अगर कोई व्यक्ति दो कुंडली से मांगलिक है और उसकी शादी तीनों कुंडली वाले मांगलिक व्यक्ति से कराई जा रही है तो वो मैरिज कराई जा सकती है ठीक है सर बढ़िया थैंक यू जी आप भी मांगलिक हैं। जी। मांगलिक है आप हाँ सर बेटी एक्चुअली मांगलिक है उसकी पत्रिका दिखाई तो उसमें हाँ. प्रबल मांगलिक बोला है उसको उसका तो ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी वन मार्च नाइनटीन नाइनटी एट टाइम छ पैतालीस शाम इंदौर स्थान ठीक है तो लग्न से तो मांगलिक एक लग्न ये कुमारी लग्न है छह नंबर है ना तो मंगल सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है तो लग्न से तो ये मांगलिक है अब चंद्रमा से देख लेते हैं चंद्रमा से मंगल चतुर्थ भाव में है तो चंद्र से भी ये मांगलिक हो गए और अगर हम शुक्र से देखें तो शुक्र से तीसरे भाव में मंगल है तो प्रबल मांगलिक तो नहीं है बट यस मंगल का प्रभाव स्ट्रॉन्ग जरूर है इस हॉरोस्कोप में लेकिन आपकी बेटी तीनों हॉरोस्कोप से मांग मंगली नहीं है अभी जो हमने आ, शिखा जी का डिस्कस करा था तो वो तीनों हॉरोस्कोप से मांगलिक थी उन्हें बोला जाता प्रबल मांगलिक इस केस में वो चीज नहीं है इस केस में आप ऐसा समझ सकते हैं कि सेवेंटी परसेंट मांगलिक है हंड्रेड परसेंट नहीं ओके, तो ये क्लियर हुआ आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मांगलिक योग देखा कैसे जाता है सिर्फ एक हॉरोस्कोप से नहीं देखा जाता हमें तीनों हॉरोस्कोप से इसे कंफर्म करना होता है फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन प्रबल मांगलिक है और कौन मांगलिक नहीं है या कौन वीक मांगलिक है कि सिर्फ लगन से अगर आप मांगलिक हो तो फिफ्टी परसेंट मांगलिक प्रभाव आपके ऊपर माना जाएगा उससे ज्यादा नहीं Yes, एक मिनट मैं सबके हैंड्स डाउन कर देता हूँ फिर अगर अभी किसी को कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा। यस yes, किसी को कोई डाउट है कि मा, मांगलिक योग देखा कैसे जाता है अभी हमने वो डिस्कस किया कि देखना कैसे <clears throat> मोहिनी जी कि वो कौन हेलो हाँ जी सर आपने तीन कुंडली बताई लगन कुंडली चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली तो मुझे ये शुक्र कुंडली नहीं पता है कौन सी होती है शुक्र कुंडली का मतलब ये है कि आप शुक्र जिस भी भाव में बैठा हुआ है उसको लगन बना दीजिए और फिर वहां से मंगल की पोजीशन देखिए अच्छा मतलब देखना है पर शुक्र, जैसे शुक्र आपका शुक्र अगर आपका तीसरे भाव में तो तीसरे भाव को लग्न बना दीजिए और फिर वहां से देखिए कि मंगल की पोजीशन क्या है अच्छा जैसे मेरी डॉटर है किसी ने बोला घोर मांगलिक है जैसे बोलते हैं पंडित जी लोग बोलते हैं कि घोर मांगलिक है तो उसका मंगल लगन में बैठा हुआ है वो सिर्फ हुआ ना मैम लग्न नग्न हुआ चंद्र से भी देखिए हाँ। फिर शुक्र से देखिए फिर आपको समझ में आएगा ओके चंद्र कुंडली तो दूसरी वाली होती है ना जो दूसरी कुंडली होती वो चंद्र कुंडली होती और शुक्र कुंडली आपने बता दी कि उसको वहीं से देखना है चंद्र कुंडली चंद्रमा को लग्न बना दिया तो चंद्र कुंडली बन गई शुक्र को लग्न बना दिया तो शुक्र कुंडली बन गई ठीक है चलिए तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा कि हमको लग्न चंद्रमा या शुक्र इन तीनों को ही हमको चेक करना है और इसमें मंगल की पोजीशन एक दो चार सात आठ बारह में हो तो मांगलिक योग बनता है जब ये दो या सभी तीनों में पुनरावृत्ति करता है तो विशेष रूप से बली होता है अगेन वही सेम पॉइंट है एक हॉरोस्कोप में अगर इन पोजिशन में है तो इतना नहीं माना जाएगा दो या तीन में है तो काफी स्ट्रांग मांगलिक प्रभाव माना जाएगा अब ये डिस्कस करेंगे आदित्य पंचोली इनकी लाइफ आप जानते ही हैं राइट तो ये प्रबल मांगलिक है एम के गांधी इन सबका हम चार्ट डिस्कस करेंगे उत्तर भारत में उत्तर और पश्चिम भारत में मांगलिक योग इन प्लेसमेंट्स को बोलते हैं एक चार सात आठ बारह और दक्षिण भारत में इसी को कहा जाता है कुज दोष जो कि प्रॉपर टर्म है मांगलिक दोष एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी नहीं है एज पर ज्योतिष कुज दोष एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जो ज्योतिष शास्त्रों में दी हुई है और दक्षिण भारत में क्या देखा जाता है दो चार सात आठ बारह तो ये मैंने अभी आपको क्लियर किया ये कंफ्यूजन है लोगों में कि एक चार सात आठ बारह लेना है या दो चार सात आठ बारह लेना है आपको दोनों ही लेना है क्योंकि दोनों ही प्लेसमेंट से सप्तम और अष्टम भाव पर प्रभाव आता है ये कहा जाता है कि जातक जातिका की कुंडली में इस योग से पार्टनर की मृत्यु तक हो सकती है या कम से कम वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता तो ऐसा है ऐसा होता है अब मृत्यु जो होती है वो अलग कारणों की वजह से होती है उसमें मांगलिक योग का प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार से सुखमय नहीं रहता और ये आप समझ ही सकते हैं कि एक पार्टनर की अगर सेक्सुअल ड्राइव बहुत कम है, दूसरे की बहुत है तो वो रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा वो टूट जाएगा सातवें घर में मंगल अपनी या उच्च राशि में भी चाहे जीवन साथी को ना मारे लेकिन यह अलगाव और दुखी विवाहित जीवन का कारण बनता है है ना? जैसे भगवान श्री राम की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है तो आप देख सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में एक सेपरेशन हुआ वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा था उनका लेकिन सेपरेशन हुआ बिकॉज ऑफ सप्तम मंगल सप्तम भाव में मंगल का होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये सेपरेशन लेके आ सकता है इसलिए यहाँ पे ये यह लिखा हुआ है कि ये चाहे जीवन साथी को ना मारे यानी कि अगर सप्तम मंगल है तो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है है ना किसी भी फॉर्म में अब अगर वो नहीं हो रहा है तो ये किसी ना किसी प्रकार से मैरिज में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है अलगाव लेकर आता है तो सेवेंथ हाउस का जो मंगल है वो वैसे इंसान को बहुत ज्यादा उदार बनाता है उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा गिविंग होती है उसका नेचर बहुत अच्छा होता है अगर सप्तम भाव में मंगल है लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता तो ये चीज आपको समझनी होगी पर तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स है जैसे अभी कोई पूछ रहा था मंगल की दृष्टियां तो यहाँ पे बताई हुई है सातवीं चौथी आठवीं मंगल जहां भी बैठा बैठा होगा वहां से फोर्थ सेवेंथ और एर्थ हाउस को वो प्रभावित करता है ओके तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे देखिए एक पॉइंट है कि पुरुषों और स्त्रियों पर समान रूप से लागू किस प्रकार से होता है तो पुरुषों के लिए अगर बलि मंगल है तो वो सामान्य माना जाता है नॉर्मल माना जाता है लेकिन अगर स्त्रियों के हॉरोस्कोप में फीमेल्स के हॉरोस्कोप में मंगल बलि हो जाए तो उसे अब माना जाता है वो अच्छा नहीं माना जाता वो एक्सेसिव एनर्जी है जो कि फीमेल्स के लिए अच्छी नहीं होती तो इस तरीके से बहुत सारे आ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें राइट अब किसी के अगर कोई सवाल है देन वी कैन टेक से बाहर ही जी सर अगर किसी के मतलब कि तीनों में डी वन में और चंद्र शुक्र सभी में मतलब कि ये मांगलिक हो हो तो फिर वो जैसे पता हो वो क्या तीन चार साल तक भी नहीं ठीक सकता है मतलब ये उसका अगर, एक लक्षण है नहीं नहीं आप ये पूछनी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीनों कुंडलियों से मांगलिक है हाँ, पर आ, उसका पार्टनर नहीं है एक एक ही जन तीनों से है नहीं तो पार्टनर एक या दो से भी नहीं है नहीं कुछ भी नहीं है वो नहीं टिकेगा वो छह महीने भी टिक जाएगा बहुत मुश्किल है तो ये बस मैरिज के बाद होता है या फिर कपल होने के भी टाइम में नहीं टिक सकते मैरिज के बाद ज्यादा प्रभाव आएगा मैरिज के पहले भी अगर वो रिलेशनशिप में है तो सेक्सुअल इश्यूज आएंगे दोनों के बीच में लेकिन मैरिज का जो इवेंट है वो इस योग को और ज्यादा एक्टिवेट कर देता है तो मैरिज के बाद तो संभावना ही नहीं है सर मतलब कि मैरिज के पहले इसका प्रभाव नहीं है होता मैरिज के पहले भी होता है लेकिन कम होता है फिर भी पर एक्चुअली डाउट ये है कि सर मैं जिसके साथ हूँ मैं तो सिक्स इयर्स से हूँ पर मतलब भी मैं चेक करी थी अभी तो सिक्स ईयर कैसे हो सकता है क्या अभी हम बच्चे हैं इसलिए पर प्रभा तो आप बोले सब कैसे नहीं होते हैं नहीं आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं फ्रॉम सिक्स इयर्स जी और मांगलिक आप हो या वो व्यक्ति है मैं मैं तीनों से मतलब तो फिर में मेरे आ रहा है फोर्थ हाउस में फिर हाँ. चंद्र में ट्वेल्थ और शुक्र में ट्वेल्थ ओके okay. और... और, वो व्यक्ति तीनों में से किसी में भी नहीं है नहीं, उसका मंगल आ रहा है डी वन में थर्ड और चंद्र में फिफ्थ हाउस में और शुक्र में टेंथ हाउस में ठीक है अभी आपका रिलेशनशिप कैसा है मिसअंडरस्टैंडिंग और ऐसा कुछ होता है रहता है पर चलता है मतलब मिस मिस अंडरस्टैंडिंग किस मिस अंडरस्टैंडिंग किस नेचर की होती है अह क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मतलब कि लिमिटेशंस मुझे मतलब कि अटेंशन uh, चाहिए होता है मैं भी समझती हूँ तो सबका तक काम ये, होता है पढ़ाई दिस इज दिस इज द दिस इज द सिम्पटम ऑफ प्रबल मांगलिक एक्सपेक्टेशन ज्यादा देखिए मांगलिक योग वाला व्यक्ति जो होगा ना But, वो 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 अपने के लिए जान भी भी दे देगा ही चीज सामने वाले से भी expect करता है है हाँ, नहीं मैं उससे ज़्यादा करती और आपको ऐसा लग रहा है, आप ज्यादा कर रहे हो बट आप अपने नेचर के हिसाब से यू आर थिंग क्योंकि आप मांगने को सामने वाला आपकी वो व्यक्ति आपकी एक्सपेक्टेशन कभी पूरी नहीं कर सकता आप लिख के ले लीजिए कभी पूरी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी क्योंकि ये आपकी एक्सपेक्टेशन एक मांगलिक व्यक्ति ही पूरी कर पाए, नॉन मांगलिक नहीं कर सकता बट अप करने के लिए कभी भी मतलब कि जितना भी तो अभी आपकी आप अभी, अभी आपकी शादी नहीं हुई ना शादी हो जाएगी तो वो और छोड़ देगा कि चलो अब तो क्या है अब तो शादी हो गई जान दो लेकिन मांगलिक व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ेंगी, वो उसे भी पूरा नहीं कर पाएगा ये ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेगी आप आप म्यूट हो गए पर्सनली पर कभी मूड भी नहीं होता मेरे मतलब से ये सब चीज बहुत गलत है नहीं नहीं आप समझे नहीं आपका मान लीजिए अभी मूड नहीं हो रहा ठीक है अकॉर्डिंग टू यू मैं अगर बीस रोटी खाने की कैपेसिटी रखता हूं और मैं आज ये बोलू यार आज मेरा मूड नहीं है आज तो मैं दस ही खाऊंगा ठीक है तो मेरे हिसाब से तो मैंने दस खाई वो बहुत एक बड़ा मैंने कम कर दिया बीस से मैं दस पे आ गया लेकिन वो व्यक्ति जो सिर्फ दो रोटी खाता है डेली बेसिस पे वो तो मेरे को देख के बोलेगा ना भाई तू कितना खा रहा है दस रोटी आपकी हिसाब से मैं यही चीज बता रहा था जब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया कि आपके हिसाब से आपका मूड नहीं है ठीक है और आपके एथिक्स ऐसे कि आपको ये चीज सही नहीं लगती कि आप बिफोर मैरिज आप किसी के साथ फिजिकल हो ठीक है बट आफ्टर मैरिज तो हो गए ना आफ्टर मैरिज जब आप हो गए तब आपकी डिजायर को वो मैच नहीं कर पाएगा वही तो प्रॉब्लम है आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है बिकॉज ऑफ योर वैल्यूज कि भाई मैं जो भी सेक्शुअल uh, एक्टिविटी करूंगी मैं मैरिज के बाद करूंगी ठीक है लेकिन आप करोगे ना मैरिज के बाद तो जब आप करोगे तब आपके कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे फ्रॉम योर पार्टनर अभी तो एथिक्स की वजह से आपके एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है लेकिन शादी के बाद तो एक्सपेक्टेशन आएंगे वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होंगे तो वहां से भी प्रॉब्लम है समझ रहे हैं आप? सक्षम का जुपिटर पूछना जुपिटर कहाँ पर है इनका जुपिटर कहाँ पर है आपका गुरु मेरा इलेवेंथ हाउस में बकरी उच्च है उच्च का बकरी है बकरी है ओके उच्च उच्च है और बकरी उच्च का बकरी है, है।, है।, है। इसीलिए तो आपके एथिक्स स्ट्रॉन्ग हम देख रहा है सेवेंथ हाउस में दृष्टि आ है जुपिटर की इसलिए कंट्रोल में है और कंट्रोल का प्रभाव भी आ रहा होगा इनके पास बट मैरिज आप आपने कंट्रोल कैसे किया हुआ है आपने कंट्रोल जुपिटर के कारण इस तरह से किया हुआ है कि मैं जो भी करूंगी मैं सही तरीके से करूंगी हाँ है ना वो जुपिटर की वजह से लेकिन डिजायर है आपकी मांगलिक होने की वजह से कि मुझे सही तरीके से करना है लेकिन मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए हुँ. अब वो वो व्यक्ति के साथ संभव नहीं है जो नॉन मांगलिक है, आ, पर बोल तो वो डिमांडिंग रहता है. तो वो तो मैम वो ये मांगलिंग नहीं है अब मैरिज के पहले तो वो तो सब मेल्स okay. का एक स्वभाव ही होता है ना डिमांड करना ओके okay. आप समझ रहे हो लेकिन डिमांड करने से नहीं होगा ना जब हाँ. वो फिजिकल एक्ट होगा तब समझ में आएगा कि कौन किसकी डिजायर पूरी कर सकता है वो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं okay. आपका एक स्टेमिना होगा कंपेयर टू योर पार्टनर वो मैच नहीं करेगा आप रहोगे ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है वो तो आप किसी कोई भी अगर रिलेशनशिप में है उसमें जो लड़का होगा वो तो डिमांड करेगा है ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी डिजायर बहुत ज्यादा है या उसके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है वो तो जब वो फिजिकल एक्ट होगा तब पता चलेगा ना ओके okay, तो सर इसका कुछ रेमेडीज या फिर सोल्यूशन होता है कि इसको मतलब कि समझ के आपके केस में नहीं है मैम अगर वो किसी भी एक हॉरोस्कोप से मांगलिक होता ना तो रेमेडी की जा सकती थी बट ये है हंड्रेड परसेंट कंपेयर टू जीरो परसेंट सौम्या जी ओके थैंक यू जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्ण सर मेरी तो लगन में ही पहली राशि में ही सर मंगल है और इतना तो बचपन में नहीं पता था लेकिन बाद में कुछ पता चला कि हाँ मुझे भी बताया गया मांगलिक को तुम तो वही बस मैं जानना चाहती कि पहली में ही है मेरा मास ट्वेंटी सेवन डिग्री का दिखा रहा है और मैरिड लाइफ तो मेरी भी अच्छी नहीं चली टाइम धीमे धीमे खराब ही होती चली तीनों हॉरोस्कोप से मांग लिखो आप तीनों का तो नहीं पहली मैंने यही देखा है जो बनाई थी मैंने पहली अपना लगन चार्ट बनाया था तो उसी में पहली मेरे भाव में मार्स है मंगल है देखिए मैरिड लाइफ खराब होने का सिर्फ और सिर्फ रीजन मांगलिक दोष नहीं होता जी जी मांगलिक दोष कब रीजन बनता है जब सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी और कमिटमेंट की वजह से आपकी मैरिड लाइफ जैसे मैंने अभी बताया कि मांगलिक व्यक्ति जो होगा ना वो अपने पार्टनर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि वो देने की क्षमता भी रखता है वो अपने पार्टनर के लिए है। जान भी दे सकता है लेकिन जी, वो वही चीज एक्सपेक्ट भी करता है की सामने वाला व्यक्ति मुझे दे तो अगर इन दोनों कारणों की वजह से मैरिड लाइफ खराब हो रही है तो डेफिनेटली मंगल की प्रॉब्लम है लेकिन अगर और रीजन है जैसे अभी हमने जस्ट मांगलिक के पहले सर मेन तो यही रीजन है सर मेन तो यही रीजन है

हम्म तो बहुत मैंने किया उनके साथ हर लेवल पे सैक्रीफाइस किया लेकिन फिर उन्होंने उतना वही रिटर्न में नहीं किया डिसरिस्पेक्ट भी बहुत किया गालियां भी केयर प्यार कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिला तो फिर अपने आप इश्यूज होने थे उन्हीं के साथ लेकिन अब दो तीन साल हो गए हैं एक घर में भी रह के सेपरेट ही है बिल्कुल हम लोग ये बहुत सालों से चल रहे स्टार्टिंग से चल रहे अब जाके डिसीजन लिया की इतनी डिसरिस्पेक्ट होकर के आप सब कुछ दे सकते हो तो फिजिकली तो बिल्कुल ही अलग हूँ अपने हस्बैंड से एक घर में रहके रिस्पॉन्सिबिलिटीज दस तीन साल तीन साल पहले आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी थी तीन साल से तो बिल्कुल खत्म ही है सर नहीं शुरुआत से कैसी रही है

उन डिजायर्स को क्योंकि वो, वो चीज अपना दि... सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई हाँ जी नहीं नहीं देखिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार-बार आ रहे हो मैं मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपकी जी, डिजायर्स जी, जी. आपकी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी हो पाती थी या नहीं हाँ सर स्टार्टिंग में तो हाँ हाँ हो पाती थी स्टार्टिंग में तो था फिर उसके बाद फिर सर वही जो इश्यूज आ गए तो फिर वो जबरदस्ती को अलग कर लिया तो फिर जब हुआ ही नहीं कुछ तो फिर सब खत्म ही हो गया बंदी हो गया वही चीज़ है तब तक ठीक था हंड्रेड हाँ, परसेंट नहीं लेकिन हाँ काफी कुछ था सही था okay. ठीक है। जी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके और उसको आप अगर फर्स्ट हाउस में आपका मंगल है आप तो आप स्ट्रॉन्ग लग रहे हो तो सेकंड हाउस में सैटर्न है मेरी थर्ड में जुपिटर है प्लूटो, नहीं, भी है है। प्लूटो नहीं। का तो नहीं कुछ होता है हाँ जी उससे आपके हस्बैंड का ले लेंगे ओके जी, जी। मे भी मुझे आपका ना दोष लग रहा है मैच मेकिंग में जो हम योनि दोष देखते ना मुझे वो प्रॉब्लम आपकी ज्यादा लग रही है मंगल से ज्यादा योनि दोष मैचिंग नहीं हुई है सरोजी क्योंकि तो सर मैचिंग हुई भी नहीं थी शादी के टाइम सर देखो कि लव मैरिज टाइप की हुई थी तो ज्यादा आपके केस में योनि दोष है यही राधे राधे सर जी राधे राधे सर मुझे अपनी बेटी के लिए पता करना था कि ये किस टाइप की मांगलिक है किस टाइप के, के मांगलिक है हाँ सर मुझे शुक्र का समझ में नहीं आ रहा वैसे तो मांगलिक है इतना तो पता है मुझे कुंडली के हिसाब से हाँ तो उसके बारे में पता करना था उसकी है अठारह नहीं नहीं देखिए अभी यहाँ पे हम सबके हॉरोस्कोप्स लगा के ये नहीं बता पाएंगे कि आप मांगलिक हो या नहीं हो आप ये रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा उसमें शुक्र कुंडली कैसे लगती है समझिएगा और तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कोर्स में पूछ लीजिएगा ओके सर ठीक है <laughs> और किसी का कोई डाउट रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट आपके हॉरोस्कोप में क्या बन रहा है उससे रिलेटेड नहीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सरिता जी नमस्ते सर नमस्ते सर ये कोर्स करके क्या हम एडवाइस कर सकते हैं कि ये शादी हो सकती है कि नहीं शादी शादी के लिए एक पूरा कॉम्बो है सर अभी आपको वो दिखा देंगे वो इस कॉम्बो का ये एक पार्ट है इसके पहले हमने मैच मेकिंग करा है उसके पहले हमने लव एंड रिलेशंस करा है तो ये पूरा एक सीरीज में चल रहा है इसके बाद हम आगे नवांश करेंगे कि किसके हॉरोस्कोप में सेपरेशन के योग हैं किसके हॉरोस्कोप में अपने आ, पार्टनर मल्टीपल पार्टनर्स के योग हैं मल्टीपल अफेयर्स के योग हैं तो शादी के लिए एडवाइस अगर आपको करना है तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी मांगलिक सिर्फ एक मांगलिक देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि आप शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो राइट तो सर आपको पूरा भी सर्टिफिकेशन दिखा देंगे सर एक बार आप दिखा दीजिएगा सारे कोर्सेस हाँ मैं अभी दिखा देता हूँ अभी दिखा देता हूँ तो अगर आपको ये एडवाइस करना है कि शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा थैंक यू ओके okay, दो सवाल और हैं कविता कविता जी उसके बाद मोहिनी जी सर इसमें जो आप बता रहे हैं सर कि चंद्र के हिसाब से या शुक्र के हिसाब से देखेंगे तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो जब आप सिखाएंगे तो उसमें आ जाएगा क्या मैं एक बार और कवर कर दूंगा वो टॉपिक इन द कोर्स बाकी है वो बहुत सिंपल चंद्रमा को लग्न बना के देखना होता है और शुक्र को लग्न बना के देखना होता है तो प्रैक्टिकली एक बार और मैं आपको बता दूंगा ओके okay, वो कोई इशू मोहिनी जी uh, सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी बेटी मांगलिक है और लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो मांगलिक नहीं है तो क्या मंगल की पूजा कराने के बाद ये ठीक हो जाता है नहीं कितना परसेंट है अभी तीनों आपकी बेटी अच्छा, तीनों कुंडलियों हाँ। से मांगलिक है हाँ, सर देखिए लगन में मंगल बैठा है तो मुझे समझ आ गया कि मांगलिक है ऐसा लोक पंडित जी ने भी बताया अब इसका शुक्र बैठा है फोर्थ हाउस में तो और फोर्थ हाउस को चंद्रमा लग्न बना के देखिए मंगल कहाँ है सातवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि से देखिए मंगल की तीन दृष्टि होती है तीनों से आपको देखना होगा तो अगर फोर्थ हाउस से देखती हो तो दसवीं दृष्टि है तो दसवीं दृष्टि तो नहीं होती और दृष्टि होती है मंगल की नहीं 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 वैसे चार सात और आठ होती है सात आठ और बारह नहीं होती है आपको तीनों कुंडलियों से देखना होगा कि आपकी बेटी मांगलिक है और फिर तीनों कुंडलियों से आपको देखना होगा कि सामने वाला नॉन मांगलिक है अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अपनी बेटी की शादी उससे मत करवाइये कोई मतलब नहीं निकलेगा आगे जाके आगे जाके स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है सेपरेशन होगा ही होगा क्योंकि आपकी बेटी की डिजायर पूरी नहीं होगी लेकिन पहले ये चेक करिए कि क्या तीनों कुंडलियों से आपकी बेटी मांगलिक है और वो सामने वाला नॉन मांगलिक है ये कंफर्म करके आइएगा या नेक्स्ट क्लास में आप मेरे को दोनों के चार्ज दीजिएगा लगाकर देखेंगे ठीक है ठीक है सर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों के साथ दे रही क्योंकि मैं तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगी इस चीज को कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है इसका देखे मंगल बैठा हुआ है थर्ड हाउस में जो लड़के का मंगल थर्ड हाउस में बैठा हुआ तो ये तो मांगलिक नहीं हुआ नहीं नहीं और इसका मंगल बैठा है लगन में शुक्र इसका फोर्थ हाउस में बैठा है तो वैसे तो मंगल ऐसे नहीं होगा वो तीनों लगा के देखने होंगे ओके तब किसी निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे जी कोर्स तो इसको। और अभी हम थोड़ा करेंगे क्योंकि वो भी एक एस, हमारा सर्टिफिकेशन मैरिज का चल रहा है इसलिए मेजर हम मैरिज पे फोकस कर रहे हैं लेकिन हमें इसके अदर एरियाज में एप्लीकेशन भी समझनी है कि अगर कोई बच्चा मांग ले कोई छह साल का बच्चा मांग ले गए हाँ। तो उसको कैसे एडवाइस किया जाए, है ना ये स... ठीक है चलिए तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा एक सर्टिफाइड कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें हम आपको मैरिज से रिलेटेड लव रिलेशन से रिलेटेड एक एक्सपर्ट बना रहे हैं आप सभी को ओके तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट था बिकम ए सर्टिफाइड मैरिज एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर तो हमारे ये दस कोर्स हैं इस मैरिज से रिलेटेड तो उसका ही एक ये पार्ट है दो कोर्स हमारे हो चुके हैं एक हमारा ये लव एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एक हमारा ये जो कोर्स है जो अभी हमारा ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैपचर लॉन्च हो रहा है सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी एंड मांगलिक योग इसके क्या मीनिंग्स हैं ओके तो बेसिकली क्योंकि टॉपिक हमारा मैरिज रिलेटेड है तो फोकस वही रहेगा लेकिन वैसे भी हम आपको बताने वाले हैं कि इस मंगल का अफेक्ट आपकी ज़िंदगी में अगर आप मांग लेंगे तो कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं ओके okay. तो ये नेक्स्ट कोर्स हमारा ट्वेंटी थर्ड ऑफ एप से लॉन्च हो रहा है जिसकी फीस देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है थ्री टिपल नाइन प्लस एटी परसेंट जी अब हम यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं वन थाउजेंड का डिस्काउंट हम आपको पहले से दे रहे हैं नेक्स्ट कोर्स है हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट थ्रू हॉरोस्कोप कि किसी इंसान की क्या पर्सनालिटी है ये भी कोर्स हमारा दो दिन का कोर्स है लगभग शायद आज ये खत्म हो गया है तो ये भी हमारा कोर्स हो चुका है आप में से अगर कोई अभी भी कॉम्बो लेना चाहता है तो जो हमारे कोर्स हो चुके हैं तीन कोर्स वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिए जाएंगे और अगर उनमें से आप कोई डाउट रहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं ये है मैच मेकिंग कोर्स ये तीन कोर्स हमारे हो चुके हैं मैच मेकिंगी पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड लव एंड रिलेशनशिप ये तीन कोर्स हमारे हो चुके हैं बाकी ये कोर्स अभी होने बाकी हैं जैसे नवामशाह एंड मैरिड लाइफ ये बहुत बड़ा कोर्स हमारा नौ से दस दिन का कोर्स रहेगा तो ये सबसे बड़ा कोर्स है मतलब शादी के लिए नवामशाह जिसको डी नाइन चार्ट बोलते हैं या मैरिज का चार्ट बोलते हैं सारी शादियाँ जो मेन शादी का जो कहते हैं ना क्रश है एक्सट्रैक्ट है वो सब नवांश कुंडली से देखा जाता तो है। तो से किसके सेपरेशन के योग हैं किसके डिवोर्स के योग हैं किसके एक्स्ट्रा मेटल के योग हैं किसे किसके प्री मेटल योग बने हुए हैं किसकी शादी दूर हो सकती है किसकी शादी अपनी कास्ट में होगी ओके okay, कौन किसकी जिंदगी में जाकर दूसरे की जिंदगी को खुशनुमा बना रहा है कौन किसकी जिंदगी में जाकर दूसरे को पेशाब कर रहा है तो ये सारी चीजें हम आपको नवाज़ कुंडली से बताने वाले हैं तो ये कम से कम नौ से दस दिन का कोर्स रहेगा मेन कोर्स है ये शादी का फिर रिलेशनशिप हीलिंग तो थ्रू क्रिस्टल एंड मैजिक ग्रेड तो किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम अगर मैरिड लाइफ में आती है क्योंकि क्योंकि अब ये कोर्स हमारा मैरिज से रिलेटेड है तो हम आपको बताएंगे लव एंड रिलेशनशिप को कैसे हील किया जा सकता है उनकी किसी की माइंड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो कैसे हम क्रिस्टल की मदद लेकर मैजिकल ग्रिड की मदद लेकर उनकी माइल्ड लाइफ को ठीक कर सकते हैं उसकी लव उनकी लव लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हैं तो ये हमारा एक दो दिन का कोर्स रहेगा फिर है प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड रिलेटेड इश्यूज क्योंकि पूरा कॉम्बो है हमारा शादी का तो यहाँ पर हम प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं कि किसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी किसकी सिजेरियन डिलीवरी होगी किसकी कंसेप्शन आसानी से हो सकती है कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में जो बच्चे आ रहे हैं कौन सा बच्चा लायक निकलेगा कौन सा न लायक निकल सकता है तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो ये भी हमारा नेक्स्ट कोर्स आएगा ये सब कॉम्बो के कोर्स हैं आप कॉम्बो भी कर सकते हो इंडिविजुअल भी कर सकते हो फिर मैरिज के लिए मूर्त एंड दोष निवारण तो मैरिज के लिए मूर्त कैसे निकाला जाता है और अगर कोई दोष है तो उस दोष का कैसे परिहार करेंगे क्या रेमेडी करेंगे तो वो इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा तीन से चार दिन का कोर्स रहेगा ये आपका फिर है काउंसलिंग सेशन ये आ, मैं खुद लेने वाला हूँ कि मैरिज की काउंसलिंग कपल सिंगल मैरिड लाइफ मैरिड कपल है कोई न्यूली वेड कपल है तो उसकी काउंसलिंग कैसे आप करेंगे तो ये एक दिन का कोर्स है ये आपको मिलेगा और लास्ट है हमारा कामा सूत्रम कि कैसे आप जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको विद्य हेल्प और कामसूत्रम सूत्रम हम आपकी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं हेलो तो ये पूरा हमारा एक कॉम्बो का कोर्स है और इसमें से आप पूरा लेना चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं अभी हमारे तीन कोर्सेज में दस में से तीन कोर्स हम कर चुके हैं और चौथा कोर्स हमारा जो है मांगलिक का ये आप सभी के सामने हमारा ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैब से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं देखिए सेक्सुअल कंपेटिविटी एंड मांगलिक योग डेट हम टेंटेडली उस टाइम डेट डाल दी थी हमने लेकिन अब ट्वेंटी थर्ड ऑफ फैप को हो रहा है जिसकी फीस थ्री ट्रिपल नाइन यहाँ पर मेंशन है लेकिन आप हम आपको ऑफर में दे रहे हैं ये अभी टू ट्रिपल नाइन प्लस एटीन परसेंट जी के साथ ये कोर्स आप हमारे साथ कर सकते हैं और किसी ने अगर कॉम्बो अभी भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं ये टोटल जो दस कोर्स की फीस है लगभग ये फोर्टी फोर थाउजेंड का कोर्स है दस कोर्सिसम्बो के अंदर आपको ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास में ये कोर्स ऑफर किया हुआ है हाफ प्राइस में जो सारे कोर्स करता है और फिर आपको सर्टिफाइड करेंगे कि आप मैरिज लव रिलेशनशिप एंड चाइल्ड बर्थ के एक्सपर्ट हम आपको सर्टिफिकेट आपको देने वाले हैं तो मैरिज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आप कर कर सकते हैं उसमें कोई नहीं, ठीक है? है। एक छोटा ये था, मेरी जिस लड़के से शादी रही है, वो नहीं है, वो क्रिश्चियन लड़का है तो अगर खाली क्रिश्चियन वेडिंग करा दे तो क्या ये जोश नहीं लगता है कि तब भी चलता? वो लोग तो मानते नहीं इन चीजों को मैम एक चीज बताइए क्रिश्चियन लोगों के ग्रह नहीं होते उनपे ग्रहों का प्रभाव तो तो नहीं चलते तो बिल्कुल होते हैं लेकिन वो लोग कुंडली दिखाते नहीं इसलिए मैंने आपसे ये ये पूछा मुझे दे, 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 दे। आप आप अगर ये सवाल कर रहे हो ना आपका सवाल ऐसे आप ऐसा सवाल कर रहे हो कि मैं आपको नहीं मानती तो मैं अगर आप में अपना हाथ डालूंगी तो वो जलेगा नहीं ये ऐसा सवाल है आप मानो या ना मानो आ, नेचर तो नहीं तो बदल तो सकता है ना प्रकृति तो वैसे ही है भाई कोई ये बोले कि मैं ग्रेविटी को नहीं मानता और दसवीं मंजिल से कूद जाए तो क्या उसके हाथ पैर नहीं टूटेंगे बिल्कुल तो नेचर को नहीं बदला जा सकता ज्योतिष इज नेचर जो महर्षि जो हमारे ऋषि रहे हैं महर्षि रहे हैं है ना पहले तो पूरा एक ही देश हुआ करता था ये तो बाद में पॉलिटिकली हुआ अमेरिका हो गया ये ये हो गया बट पहले इट वाज वन और हमारे बहुत सारे महर्षि ऐसे हैं जिनको शास्त्रों में आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा गया है कि वो व्हाइट स्किन पीपल को पढ़ाया करते थे यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जिनकी जिनका स्किन का कलर वाइट था उनको अलग अलग महर्षियों ने पढ़ाया तो ज्योतिष ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुओं पे लगेगा ज्योतिष हर एक व्यक्ति के ऊपर जिसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है और इस पृथ्वी के बाहर अगर मंगल ग्रह पे किसी का जन्म हुआ है तो उस पर भी ज्योतिष लगेगा एक अलग एंगल तो से दिस इज यूनिवर्सल लॉ ना? बिल्कुल कोई माने या ना माने चार्ट तो सबका बन जाता है बिल्कुल भाई मानो या ना मानो जन्म तो लिया है ना आपने एक पर्टिकुलर समय पे ने, ने, तो बेसिकली अगर आपकी जो डॉटर है वो किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी कर रही है दैट मींस कि आपकी डॉटर के सेवेंथ लॉर्ड के साथ राहु का एसोसिएशन होना चाहिए या दार कारक के साथ राहु का एसोसिएशन होना चाहिए राहु कहां पर है आपकी डॉटर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है राहु

शनि एथ हाउस में है इलेवेंथ नंबर पे शनि एथ हाउस में है इलेवेंथ नंबर में इलेवन राशि के साथ मतलब में के जी तो आपका अगर लगन तुला है तो एथ हाउस एक्वेरियस कैसे आ जाएगा नहीं सर लगन तुला नहीं है लगन तो फोर्थ कर्क लगन है कर्क लगन है और लगन फोर्थ हाउस हाँ फोर्थ हाउस में राहु है वहां पे सेवेंथ नंबर है मतलब वहां पे तुला राशि है हाँ। ओके और शनि आपका एथ हाउस में है हाँ शनि एथ हाउस में एक बार चार आप अपने डॉटर के बर्थ डिटेल्स दीजिए का है सिक्स नवंबर हाँ और टाइमिंग है टेन टेन थर्टी पी प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ कानपुर उत्तर ओके ठीक है ये आप कंजंक्शन देख रही है सारी इसी की वजह से आउट ऑफ of... रिलीजन मैरिज है यहाँ पे हाँ ये फोर्थ हाउस में जो सब बैठे हुए हैं इनकी वजह से है गुरु चालदार योग बना रहे हैं यस तरीके सही रहेगा देखिए आपका जो आ... दारक आर का है ना दिस इज दी लॉर्ड ऑफ मैरिज ये डी के देख रहे हैं आप बुद्ध बुद्ध इज विद राहु इसलिए रिलीजन के बाहर मैरिज है hmm. क्या मतलब लव मैरिज है क्या हाँ जी लव मैरिज प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है तो कि किस वे में होगी प्रॉब्लमेटिक ये राहु ने सबके ऊपर एक एक राहु इस माया सारे ग्रहों के ऊपर उसने माया लगाई हुई है अपनी एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है हाँ। तो आपकी आपकी डॉटर जो है ना वो इमोशनल डिसीजंस हाँ। जो ले रही है इट इज इट इज बिकॉज ऑफ इल्यूजन इसके जितने भी इमोशनल डिसीजंस हैं दे आर ऑलवेज बिकॉज़ ऑफ एन इल्यूजन रियलिटी से दूर होके इमोशनल डिसीजंस लिए जा रहे होंगे लाइफ में पहले भी आपने नोटिस की होगी ये चीज हां मैं ऐसा तो कुछ नहीं कोई बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीज़न नहीं लेती है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं इमोशनल डिसीजंस मतलब वो डिसीजन सारे इमोशनल होते हैं उनके इमोशन का ये मतलब नहीं है कि आ, मतलब बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। कोई गाड़ी खरीदनी है किसी हाँ। okay? तो हाँ। हो सकता है एक गाड़ी ऐसी है जो बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन उसमें उतनी एक्सपेंसिव चीजें नहीं डली हुई है लेकिन दिख रहा है कि हाँ बहुत कुछ है वो वहां पे चली जाएगी उस चीज में अच्छा, अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज भी कर लेती क्या अच्छा ठीक है नहीं हो भी करू तो कई बार ऐसा भी होता है कंप्रोमाइज भी कर लेती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना अच्छा कॉम्प्रोमाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग कॉम्प्रोमाइज अपनी अप, किसी ना किसी चीज के लिए कर रही है ना वो विच शी वांट्स और जो चीज वो चाहती है दैट इज कवर्ड बाय इल्यूजन अकॉर्डिंग टू दिस होरोस्कोप सर इसको कैसे ठीक करेंगे सूर्य ग्रहण इस नवांश में भी सूर्य ग्रहण है और आपके यहाँ पे भी सूर्य ग्रहण है आप शादी से पहले यू you नो know, कोई प्रॉपर कंसल्टेंसी लीजिए तो इसमें बहुत बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है बिफोर मैरिज सर आप कर देंगे कब से कब से इनका रिलेशनशिप कब से है तो काफी टाइम से म, मंगल इज डेबलेटेड इन द लगना मतलब इनका रिलेशनशिप अगर मैं बोलूं तो ये लोग तो एक दूसरे को जान, मैं भी जानती हूँ इस बच्चे को बचपन से जानती हूँ सेवंथ से जानती हूँ फिर ये अभी आज दस सालों से ये लोग एक अच्छे फ्रेंड थे दो साल पहले इन्होंने डिसीजन दिया कि चलो हम शादी कर लेते तो अब अब हम नेक्स्ट ईयर मतलब ट्वेंटी में हम इनकी शादी करने का सोच रहे हैं अब इसने हमें घर में बताया है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो लड़का अच्छा है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है भाई अब आउट ऑफ द वे मुझे भी जाना पड़ा क्योंकि तो अब बेटी की बात है तो वैसे तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हम नॉन हिंदू से करें लेकिन अब उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे तो आपके ऊपर भी राहु का प्रभाव है ना मैम 4000 इज द हाउस ऑफ मदर तो आप भी उसी इल्यूजन में हो तो जो तो आप जिस इल्यूजन में आपकी डॉटर है वो तो इमोशनली इल्यूजन में है और आप अपने माइंड से उसी इल्यूजन में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है इस केस में मंगल डिबिल्टेड है इसलिए आपके ऊपर भी वही इल्यूजन है जो आपकी डॉटर के ऊपर है हाँ बिल्कुल मैं इमोशनल तो हूँ इस समय कि मैं मैं इसकी बात को कैसे काट दूं या कैसे इल्यूजन नॉट इमोशन दैट इज इल्यूजन ऑफ राहु अच्छा इस तरफ कैसे किया जाए कि ये काम भी हो जाए और आगे इन लोग की मैरिज लाइफ अच्छी भी रहे <laughs> हेलो आप सीरियसली uh, किसी से कंसल्ट करिएगा और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा नहीं मैं भी इस भी इसलिए तुँछा तुँछा आप आप तो मैं आपसे तो बोल रही थी क्या आप कर सकते हैं नहीं अभी तो मैं मैं कुछ नहीं बता पास नहीं अभी नहीं, जब आप जब बताइए मैं आपको दोनों का चार्ज भेज दूंगी तो जैसे भी हो आप मुझे बता दीजिएगा जब आपके पास टाइम हो अभी तो मैम बिल्कुल भी टाइम नहीं है टिल मई तो सर बिल्कुल सेम हूं मैं कंसलटेंट ग्रेट करिए ढूंढने क्या कर हो तो कितना बता दो कितना पंद्रह बीस दिन नहीं नहीं वो थोड़ा ज्यादा महीना वेट महीना, महीना? कोई नहीं सर महीना तो मैं कर लेती थी कि होली के बाद हम सोच रहे हैं तो नवरात्र में हम सोच रहे थे कुछ एक छोटा मोटा फंक्शन करें तो अभी तो है हमारे पास भाई तो अगर ये सब चीजें हो जाए देखेंगे कम पेमेंट हो जाए देखते हैं अच्छा सर देख लीजिए प्लीज सर देख लीजिए थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कुछ करिए हम बेसिकली जब आपको करना था तब आपने किया नहीं ना नहीं तो यहाँ तक बात आती नहीं सर मुझे तो पता ही नहीं चला ना ये सब चीजों का तो मुझे तो तो मैं आप जैन को इल्यूजन में हो ना आपको पता होना चाहिए था आप पेरेंट हो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी वो आपको पता नहीं चल पाई because of आ, नहीं नहीं अब पूछा तो मैंने एक दो बार नहीं, नहीं। और लेकिन अगर मैं कर भी इमोशनल जो भी कुछ नहीं सकती जो डिसीजन लेते है उसके आगे झुकना पड़ता नहीं तो फिर पेरेंट होने का मतलब ही क्या निकला ना जब उनको अपनी मर्जी से सब कुछ करना है और आपका कोई उसमें से नहीं है तो उसमें आप आप हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है बीइंग अ पेरेंट आप ये कह रहे हो कि अगर कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो हमें उसके आगे झुकना ही पड़ेगा तो भाई पेरेंट होने का फिर मतलब क्या निकला सर फिर अगर आगे लाइफ ना सही हो तो मैं मैं भी आपसे वही पूछ रहा हूं ना आप ये कह रहे हो कि सामने वाला या हमारे कर रहे हैं हमें उसमें अग्री होना ही पड़ेगा तो फिर आपके पेरेंट होने का मतलब क्या निकल रहा है पेरेंट होने का मतलब ये होता है ना कि सामने वाला कोई गलती कर रहा है तो उस गलती से उसको बचाया जाए इंटरफेयर किया जाए चलिए अनूप जी जी सर प्रणाम सर जी प्रणाम बेसिकली वो जो स, नगेश सर ने जो बात कहा कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उसी के लिए मैं सोचा कि इस अब क्लास के बाद में सर से कभी बात कर लेता दो मिनट तो इस समय सर से पॉस्चे, जी जी पॉस्चे. यही सवाल था एक्चुअली सर ने जो कहा ना सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आ, तो वो तो वही मतलब ये क्लास के बाद अगर सर दो मिनट समय दे देते तो मैं बात कर लेता फोन से फिर जैसे भी होती है वो आप लोग के क्लास के रिकॉर्डिंग के बारे में सर कौन सी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए आपको आप लोग का जो पहले क्लास हो चुका है उसी सब सबके रिकॉर्डिंग में सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स का जी सर पूरा वो तो तीन कोर्सेज हुए उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी सर नगेश बात हो सकती है सर एक क्लास इस क्लास के बाद सर फोन लगा लेना अगर वो उठा लेंगे तो हो जाएगी थैंक यू गुरप्रीत जी हाँ जी सर सर मेरे ये पूछना था जैसे आपने ये तीन मतलब उस लग्न से चंद्र से और शुक्र से मांगलिक बताया आपने हाँ. अगर हम मैच मेकिंग करते हैं और कोई कोई जैसे हंड्रेड परसेंट मांगलिक है और एक दूसरा जो पार्टनर है वो सिर्फ चंद्र से जैसे मांगलिक आ गया और बाकी टू से नहीं हो रहा तो उनको फिर क्या आगे किया जाए कि मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बाकी मैच मेकिंग है कोई सर जैसे अगर सिर्फ टू उसमें मांगलिक है अपना चंद्र और शुक्र से जैसे मांगलिक कोई आ रहा है और नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकता है या एक मा, एक एक से मांगलिक होना चाहिए लाइफ पार्टनर डिपेंड करता है ओवरऑल मैचिंग कैसी है देखिए मतलब जो 3 और जीरो है एक व्यक्ति तीनों से मांगलिक है दूसरा एक से भी नहीं है तो तो फिर वो कैंसिल हाँ, बाकी सारे ओके जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बचेंगे उसमें हमको ओवरऑल बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा ठीक है सर मतलब यही ये, ये मतलब लगा के चलें कि अगर कोई मांगलिक है तो एक पर एक एक मांगलिक तो होना ही चाहिए अगर कोई 60, हाँ, जैसे 66 कोई मांगलिक है टू से मांगलिक है जैसे तो एक एक मांगलिक होना चाहिए लाइफ पार्टनर मिनिमम जी हाँ जी ओके सर थैंक यू चलिए आई थिंक सबके क्वेश्चन हो गए हैं और सर ने अभी आपको बैनर दिखा दिया होगा मैं मेरा थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था हमारे पास दो काउंसलिंग सेशंस भी हैं। एक सेशन तो सर लेंगे जो जनरल काउंसलिंग है और एक सेशन मैं लूंगा जो कि कामसूत्र बेस्ड काउंसलिंग है That is from the शास्त्रास। एक बार आपको सारे कोर्सेज वापस से बता देते हैं जो इस सर्टिफिकेशन का पार्ट है सो so, हमने चालू किया था लव एंड रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी से इसमें हमने इतने टॉपिक्स कवर करे थे कि आपका रिलेशनशिप फ्लक्टिफाई होगा या नहीं होगा अरेंज मैरिज के लिए जाना चाहिए लव मैरिज के लिए जाना चाहिए soulmate and heartbreaks, ये सारी चीजें कैसे देखी जाएंगी ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं जो लोग certification अभी करेंगे उसमें आपको इसकी रिकॉर्डिंग इस सेकेंड ये कोर्स अभी परसों से लॉन्च हो रहा है जिसका आज वेबिनार था मांगलिक योगा इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली भी और सर्टिफिकेशन में ज्वाइन करेंगे then, uh, definitely आपको ये मिली जाएगा पर्सनालिटी असेसमेंट का दो दिन का छोटा सा कोर्स था जो आज ही हमने कंप्लीट करा है ओके okay? तो ये कोर्स आज हमारा कंप्लीट हुआ है सामने वाले के कैरेक्टर को कैसे पहचाना जाए हॉरोस्कोप से तो यहाँ पे सिंपल सिंपल से योग हमने डिस्कस करें ये कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है सर्टिफिकेशन में तो अगर आप पूरा सर्टिफिकेशन ज्वाइन करते हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी yes. मैच मेकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स वैदिक तरीके से मैच मेकिंग कैसे करी जाती है अष्टकूट ही सिर्फ मैच मेकिंग नहीं होता है इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है जो लोग सर्टिफिकेशन में है आप उनसे यहाँ पे फीडबैक ले सकते हैं कोई है सर्टिफिकेशन में तो प्लीज हैंड रेस करिए मैच मेकिंग का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है ओके ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है अब आप अगर इसमें आ, पूरे सर्टिफिकेशन में आएंगे तो मैच मेकिंग की भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कविता जी आप हैं क्या सर्टिफिकेशन uh, में नहीं सर अभी नहीं हूं मैं, मैं लेकिन जो सर ने बताया था ना कि ट्वेंटी थाउजेंड का पूरा वो है तो वो मैं अभी नी... थोड़ा फरवरी में दो तीन शादियों में थोड़ा बिजी हूं तो मैं बाद में कवर मीरा जी आप है हाँ तो मीरा जी ठीक इसके बाद जस्ट मांगलिक योग के बाद हम नवांश पढ़ेंगे जो कि मैरिज का मेन टॉपिक है जिसमें यह देखा जाता है कि सेपरेशन के योग आज है हॉरोस्कोप में या नहीं मैरिज की प्रोस्पेरिटी कैसी रहेगी मैरिज की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी तो ट्यूसडे तक हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे मंगल योग का नेक्स्ट कमिंग वीक ट्यूसडे तक एंड उसके बाद दो तीन दिन के गैप के बाद हम नवांश लॉन्च कर देंगे सर्टिफिकेशन में यस नेक्स्ट फिर हाँ, so, एक कोर्स है हमारा रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू क्रिस्टल्स एंड मैजिक ग्रिड्स है ना तो क्रिस्टल्स के थ्रू किस प्रकार से आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं तो इसका दो दिन का एक वर्कशॉप है हमारी जो कि हम इसी सर्टिफिकेशन के अंदर कवर करेंगे और इससे आपको अलग अलग ग्रिड बनानी बताई जाएगी कि किस प्रकार से रिलेशनशिप का ग्रिड बनाया जाता है और रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अलग अलग ग्रिड्स यहाँ पे बताएंगे और आपको हेल्थ से रिलेटेड भी ग्रिड्स यहाँ पे बताएंगे तो ये भी सर्टिफिकेशन का पार्ट है देन उसके बाद प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ एंड रिलेटेड ये हमारा कोर्स है जो कि हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे ये लास्ट कोर्स हमारा होगा जिसमें चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड की प्रॉब्लमेटिक होगा या नहीं होगा चाइल्ड uh, बर्थ में कैसे इश्यूज आ सकते हैं आप का जो बच्चा होगा उसका रिलेशन आपके साथ कैसा होगा ऋणाणु बंधन ये सारी चीजें जो है ये हम यहाँ पे कवर करेंगे लास्ट लास्ट में देन मैरिज मुहूर्त एंड दोष निवारण आपकी मैचिंग बहुत प्रॉपर है सारी चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन अगर गलत मुहूर्त में विवाह करेंगे तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी और ये रेमेडी भी है अगर बाकी सारी चीज खराब है लेकिन आपने अच्छे मुहूर्त में शादी कर ली तो बहुत सारी चीजें अपने आप रेक्टिफाई हो सकती हैं फ्रॉम मुहूर्त इसलिए मैंने फर्स्ट डे से ये बोला है कि मुहूर्त इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये अच्छी चीजों को खराब भी कर सकता है और खराब चीजों को अच्छा भी कर सकता है तो ये हमारा कोर्स होगा आफ्टर नवांश उसके बाद ये इम रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन है कि आपको क्लाइंट को प्रैक्टिकल काउंसलिंग किस प्रकार से देना है ये सर लेंगे एंड लास्टली uh, में इम्प्रोम टू रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन फ्रॉम कामसूत्रम एक क्लासिकल टेक्स्ट जो हमारा है कामसूत्रम हम किस प्रकार से काउंसलिंग दे सकते हैं एक कपल को ये जो सेशन होंगे ये मैं लूंगा और इसमें हमने संस्कृत से कामसूत्रम को प्रॉपरली डिकोड करा हुआ है और उन उस डिकोड करके जो चीजें हमको समझ में आई है वो आपको बताया और ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को अगर प्रॉपरली समझ लिया जाए तो मैरिड लाइफ की एट्टी परसेंट प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी तो वो कैसे किया जाता है क्या क्या चीजें हैं उसमें आपको थोड़ा ओपन माइंडेड होकर आना पड़ेगा इन सेशंस में तो दो से तीन क्लासेस में लूंगा इसकी और उसमें आपको ये गाइड किया जाएगा तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सर्टिफिकेशन है यस yes. संगीता जी तो क्वेश्चन हेलो संगीता जी बोलिए आपने आपको एडमिट कीजिए आप चलिए शायद वो कर नहीं पा रही है तो ठीक है फिर मिलते हैं फिर ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब को ये जितना आप सभी को बताया गया है कि जो मांगलिक दोष नहीं होता योग होता है और इस मांगलिक को डेफिनेटली हम मैरिज से रिलेटेड तो बताएंगे बताएंगे इस योग के और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं इस योग को कैसे आप अपनी लाइफ में बेनिफिट उठा सकते हो तो ये भी आपको सिखाएंगे ठीक है अभी भी अगर आपने कॉम्बो ऑफर नहीं लिया है तो यस यू कैन आप अभी भी ले सकते हैं जो हमारे दो या तीन कोर्स हो चुके हैं वो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा बाकी कोर्सेज आप हमारे साथ लाइव कीजिए पिछले कोर्स में अगर कोई आपको परेशानी है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप इन कोर्स में भी सीख सकते हो ठीक है चलिए फिर सभी को जय श्री कृष्णा बोलते हैं और फिर मिलते हैं कोर्स में <coughs> मैं सभी को अलाव कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए सभी को जय श्री जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा सर सर मेरा